हेलो दोस्तों, मैं हूं संत कुमार और स्वागत करता हूं आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में, जानेंगे प्राणायाम के अर्थ के बारे में कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला प्राण और दूसरा आयाम। प्राण जो है वह संस्कृत शब्द से लिया गया है और संस्कृत शब्द में प्र धातु के उपसर्ग से और उपसर्ग से अन्य धातु से बना है और इसे हम प्राणायाम प्राण कहते हैं। और वहीं अगर हम देखा जाए तो आयाम का मतलब होता है नियमन, यानी कि नियमित रूप से, यानी कि अपने प्राणों को नियमित रूप से अपने अंदर विस्तार करना और उसे सुरक्षित करना, बढ़ाना, अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे ज्यादातर तो हम प्राणायाम में अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन जो है श्वास प्रश्वास की जो गति होती है इनके द्वारा हम करते हैं। वहीं अगर हम देखें कि प्राणायाम के बारे में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मत दिया है, वहीं पे महर्षि पतंजलि ने बताया कि प्राणायाम जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वतः ही चलता है। यहाँ पे पतंजलि प्राणायाम के बारे में कहते हैं कि उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति का एक रूप हो जाना प्राणायाम कहलाता है। यहाँ पे पतंजलि ने प्राणों के बारे में कहा कि हमारे सांस और प्रश्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उनकी गति का इतना मध्यम हो जाना कि हमारे अंदर से जो प्राण ऊर्जा है हम उसे संचित रख सकें और सहज रूप से चल सकें। हमें इस बात का ध्यान ना हो कि सांस कब गया कब आया और इतना सूक्ष्म सांस हो, क्योंकि कई लोग दिन में बहुत बार सांस ले लेते हैं और जो साधारण लोग होते हैं उनकी सांसों पे नियंत्रण नहीं होता है। जब उनका दम घुटने लगता है तो काफी तेजी से सांस लेते हैं और अपने आप को एक आंधी तूफान की तरह संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं पे यदि हम बात करें, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्राण और अपान वायु के मिलने को, यानी कि प्राण और अपान वायु को अपने अंदर मिलाना प्राणायाम कहलाता है। वहीं देखा जाए तो त्रिशिखी ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है कि प्राणायाम में सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। वहीं यदि हम स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अगर हम जानने की कोशिश करें तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्राणायाम शरीर में जो स्थित जीवन शक्ति होता है उसको संचित करने के लिए, जो श्वास और प्रश्वास की गति पे जो हम कार्य करना शुरू करते हैं वह प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि प्राण जय होने के लिए व्यक्ति को प्राण को संचित करना और उसे नियंत्रित करना सबसे कठिन काम होता है और जिन व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य को पूरा और तरीके से कर लिया जाता है वह व्यक्ति प्राण ऊर्जावान और कालजयी कहलाता है। इस तरह से प्राणायाम अर्थात प्राणों का महाप्राण में मिल जाना ही प्राणायाम कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग महर्षि और साधु संन्यासियों ने अलग 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 मुद्दों पे अलग अलग तरीके से बात किया और सबका अनुभव जो था अपने जगह पे बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उनका पहुंचने का जो मार्ग था, जो लक्ष्य था, वो एक ही था। सब अलग अलग मार्ग से गए, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त किया, लेकिन लक्ष्य एक था। तो प्राण जमा आयाम, जब हम प्राणों को अपने नियमित के अनुसार उसे वश में कर लेते हैं तब हम कालजयी कहलाते हैं। ये था प्राणायाम। प्राणायाम कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जो तुच्चे मुच्चे आकर के कह देते हैं कि हमने अनुलोम विलोम कर लिया, हमने रेचक पूरा कर लिया, कुंभक कर लिया।
प्राणों को साधने के लिए सालों साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि जन्म भी बीत जाता है और मृत्यु सामने खड़ी होती है और हम इस चीज को पूरा नहीं कर पाते। तो प्राण कोई छोटा मोटा खेल नहीं है जिसे हर कोई आकर के अनुलोम विलोम करके और अलग तरह के आसन वासन करके कर ले। इसके लिए व्यक्ति को सधना पड़ता है, खुद में खुद को हवन करना होता है, तब प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये थे प्राणायाम के कुछ ऐसी बातें जो अलग अलग विद्वानों ने कहा और उनके अनुसार प्राणायाम किस तरह का होना चाहिए। तो आप भी सोच लीजिए कि आपके अनुसार प्राणायाम कैसा होना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।